हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए अभिषेक राज को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक राज आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फैशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्त, बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया था कि फैशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन बनाइए, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था, तो मैं सोचा इस पर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन बना दूँ और आज मैंने बनाया। इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नाप लेने का मुख्य उपकरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा इंची टेप। गर्म कपड़ों की तह पर निशान उतारने के लिए प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? दूसरा का आंसर होगा सी, थ्रेड मार्का। तीसरा है, वर्कशॉप में प्रेस करने के लिए खाली स्थान प्रयोग होता है। तीसरा का आंसर सी होगा, प्रेसिंग स्टैंड। पतलून में टांग की शेप देने के लिए खाली स्थान प्रयोग होता है। तो चौथा का होगा डी, लैंग शेपर। पांचवा है, फैक्ट्री में कपड़ों की 200 तह लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं इसमें? इलेक्ट्रिक कटर का। पांचवा का होगा सी। और छठा है, कपड़ों पर निशान लगाने के लिए दर्जी किसका प्रयोग करता है? तो टेलर चौक का प्रयोग करता है। फ्रेंच कर्व का प्रयोग खाली स्थान करते हैं, क्यों करते हैं? गोलाई बनाने के लिए। हाथ का काम करते समय टेलर खाली स्थान पहनता है, तो क्या पहनता है? थिम्बल पहनता है। नाइन्थ नंबर है, आधुनिक समय में प्रचलित प्रेस जो वर्कशॉप में प्रयोग होती है कौन सी होती है? ऑटोमेटिक बिजली प्रेस। दसवां नंबर क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़ों की कटिंग करने के लिए ऊनी कपड़ों की कटिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें होगा दसवां का आंसर बी, सॉरी ये सीजर्स। और ग्यारह है, और सामान्य शरीर के नाप लेने के लिए विशेष टेप खाली स्थान प्रयोग होता है, उसका क्या नाम है? तो ग्यारह का होगा बी, सीपीजी टेप। नेक्स्ट है दोस्तों, कलम कॉपी लेकर बैठिए आप और आप मेरे साथ क्वेश्चन लगाते रहिए जिससे आपको आसानी पड़े क्वेश्चन करने में। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, निम्न में से अस्थाई टाका कौन सा है? तो पहला का होगा बी, टेढ़ा कच्चा। निम्न में से अस्थाई टाका कौन सा है? दूसरा का होगा डी। और नेक्स्ट है, केसमेंट एवं दो सूती कपड़ों पर प्रयोग होने वाले सजावटी टाका का नाम बताएं, इसका आंसर होगा तीसरा का बी, क्रॉस स्टिच। चौथा है, वस्त्रों को सजाने वाला टाका कौन सा नहीं है? चौथा होगा सी, सी क्या है? पैडिंग टच, ये नहीं होता है। पांचवा है, मशीन से बनाए जाने वाले कागज कौन सा है? पांचवा होगा बी, बाउंड बटन होल। स्मोकिंग बनाने के लिए कौन सा टाका प्रयोग नहीं होता है? छठा का होगा बी, फ्रेंच। मर्दानी कमीजों में बॉटम का होल का साइज लिखें, तो कितना होता है? हाफ इंच होता है। नेक्स्ट है एट नंबर, कपड़ों की मरम्मत का सुंदर एवं आसान तरीका कौन सा नहीं है? तो उपयुक्त सभी नहीं है। हनी कॉप बनाने में खाली स्थान अधिक कपड़ा लगता है, तो नाइन का होगा बी, तीन गुना। अधिक लचकदार वाला कौन सा डिजाइन है? तो वह लचकदार वाला कौन सा है? दसवां का ए, हनिकाप। डेलिकेट फैब्रिक में तुरपाई का कौन सा टंका प्रयोग करते हैं? तो ग्यारह का होगा ए, स्लिप हेम। बारह है, निम में से कौन सा कॉटन होल का प्रकार नहीं है? तो बारह का होगा ए, माइंडिंग। तेरह,
कौन सा सिम का प्रकार नहीं है? तेरा का होगा सी स्लैब। हाईलाइट में होल करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? चौथा का होगा बी होल मेकर। 15 है सार्जू टांगों के स्थान पर आजकल प्रयोग होने वाला टांका बताइए, तो 15 होगा डी ओवरलॉक। नेक्स्ट अगर कोई दोस्त इंग्लिश में इसको पढ़े होंगे, इंग्लिश में वो लोग करना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए है कि आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन या इस बुक का मैं लास्ट में नाम बता दूंगा उसका इंग्लिश वाला वर्जन खरीद लीजिएगा, उससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। कर्व एरिया फिनिश करने में अर्थात बैग शू बनाने में खाली स्थान काम आती है, तो पहला का होगा बी। दूसरा है थ्रेड कटिंग डिवाइस का मुख्य काम क्या है, तो दूसरा का होगा बी ऊपर नीचे के धागे काट देना। तीसरा है निम्न में से सिलाई शुरू करने तथा सिलाई समाप्त होने पर ऑपरेशन कंट्रोल करने वाली मशीन कौन सी है, तो तीसरा का आंसर होगा सी एज डिफेक्स, क्या है एज डिटेक्शन डिवाइस। चौथा है अधिक स्वीटिंग बटन होल मशीन में काज खाली स्थान बनते हैं, कैसे बनते हैं? चौथा का आंसर होगा डी लंबाई चौड़ाई दोनों तरह के काज बनते हैं। और पांचवा है कि ओवरलॉक मशीन में अधिक से अधिक सुइयों का प्रयोग हो सकता है, तो कितने का हो सकता है? पांचवा का आंसर होगा सी 1 से 4। निम्न में से कौन सा मशीन बॉबिंग केस का प्रयोग नहीं होता है, तो नहीं होता है जिसमें किसमें? छठा का होगा बी ओवरलॉक मशीन में। ब्लाइंड हेमिंग मशीन की स्टिच दर 1 मिनट में कितनी होती है, इसका आंसर होगा 2200। सातवां का सी। आठवां है चैन स्टिच मैकेनिज्म पर आधारित मशीन कौन सी है, तो आठवां का आंसर होगा बी बास्टिंग मशीन। और नाइन्थ है निम्न में से हैवी डर्टी मशीन का नाम बताएं, तो इसका आंसर होगा 9th का ए पर फोरेटेड। दसवां निम्न में से कौन सी मशीन कर्व एवं सीधी लाइन दोनों में अच्छी कटिंग करती है, इस मशीन का नाम क्या है, तो इस मशीन का नाम बता रहे हैं आपको तो इस मशीन का नाम होगा दसवां का बी बेंट नाइफ कटिंग मशीन। और 11 नंबर क्वेश्चन है लेदर या लैमिनेटेड फैब्रिक कटिंग मशीन का नाम बताइए, तो मशीन का क्या नाम होता है, इसका आंसर है बी डाई कटिंग मशीन। कढ़ाई करने के लिए कितने नंबर का धागा प्रयोग करते हैं, तो कितने नंबर का धागा प्रयोग होता है, 12 का डी 150 नंबर का। लिखा है काज कितने नंबर के धागे का धागे से सुंदर बनता है, तो 13 का होगा बी 8 नंबर से। छोटी पतली सुनहरे नग के किस सुई का नंबर बताएं, 14 का होगा ए 12 नंबर। 15 नंबर है मशीन की कढ़ाई में कितने नंबर के सुई प्रयोग करते हैं, तो 15 का आंसर होगा ए 9 नंबर। निम्न में से कौन से धागे काले पड़ जाते हैं, तो कौन से धागे काले पड़ जाते हैं, तो बी होगा मैटलिक, मैटलिक धागे काले पड़ जाते हैं। कैनवक्स में सिलाई के लिए कौन सा नंबर का सुई का प्रयोग करते हैं, तो 17 का होगा आंसर डी 24 नंबर। गोल्डन एवं सिल्वर थ्रेड कौन सा विशेष डिजाइन बनाता है, तो 18 का होगा सी स्पाइरल। 19 से ओवरलॉक मशीन में 1 सेंटीमीटर सिलाई में कितना भाग खर्च होता है, तो 19 का होगा बी 20 सेंटीमीटर। और 20 का है ओवरलॉकिंग मशीन का आविष्कार कब हुआ था, तो 20 का आंसर है ए 1881 में। 21 है ओवरलॉकिंग मशीन में अधिक से अधिक कितने भागों को कोण में चल सकते हैं, इसका सी आंसर होगा 5। ओवरलॉक मशीन की स्पीड कंट्रोल के अभ्यास का तरीका क्या है, इसको कागज पर चलाएंगे, बी होगा 22 का बी। तो दोस्तों यही था आज के लिए, और आपको बता दें कि ये किताब अगर फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइन से आप हैं तो ये किताब को प्रेफर कीजिए, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको तैयारी कीजिए। 14 एडिशन का प्रकाशन है, इसके लेखक जो हैं गायत्री वर्मा हैं जो अच्छे
कंटेंट इसमें डाली है, आप इससे अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आएगा, तो इसको प्लीज़ रेफर कीजिए। अगर आपके पास नहीं भी है तो इसका क्वेश्चन जुगाड़ कर लीजिए, उससे हो जाएगा। ये आपके पास नया कोई सेमेस्टर का होगा बुक, चारों सेमेस्टर का दिया होगा, तो उससे पढ़िए। जैसे इसमें लिखा है डीजीटी द्वारा निर्धारित सेमेस्टर एक और दो के नवीनतम पाठ्यक्रम, ये पहला और दूसरा सेमेस्टर का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी तरह का बुक खरीदिएगा जिसमें पहला दूसरा या तीसरा चौथा तीनों का चारों कम्बाइन हो, उसमें क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको और आप कर लेंगे आसानी से। दोस्तों और भी आपके दोस्त होंगे जो ये फैशन टेक्नोलॉजी और डिजाइनिंग का CTI में अप्लाई किए होंगे, तो ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और इसको उस दोस्त के पास शेयर कीजिएगा जिससे उसको भी बेनिफिट मिल सके, और अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।